हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो भाई, ये हमारे हम जींद गए थे ना, तब उससे अगले दिन की वीडियो है। और अगले दिन हम फिर गए थे आदमपुर, मतलब आदमपुर के पास गांव है लाडवी, वहां गए थे। वहां मेरी फुफस रहते हैं, तो हम उनके घर गए थे। काफ़ी टाइम से सोच रहे थे जाने की, पर टाइम नहीं मिल रहा था, तो इस बार छुट्टी थी, तो इसलिए अब हम लाडवी जा रहे हैं। एक बस एक एक बोतल है। तो तीन तेरे नाम मोदी डाल सकते। बोलते थे बहुत दिनों से, भाई हमारे घर आ जाओ, हमारे घर आ जाओ। टाइम ही नहीं मिल रहा था, जा ही नहीं पा रहे थे कहीं भी। तो अब दो तीन दिन की छुट्टी है, तो अब सोचा अब एक बार में सबके घर ही जाके आ जाएंगे। तो अब दो दिन का टूर निकाला हमने, देखो कहाँ कहाँ जाते हैं दो दिन में। अभी निकले हैं घर से, अभी तो फिलहाल जींद में ही है, तो अब जाएंगे। आजा। मैं सोच मोसी तारा नाम दियो। नमस्ते दादी जी। एक और बोल। नमस्ते नमस्ते। लाडवी तसल्ली होगी। तो भाई पहले हम गए हैं मौसी जी के घर, उनका रास्ते में आता है अग्रोहा के पास है ये भोडा गांव में, तो पहले वहां गए हैं हम लोग उनसे मिलने। ये दे दे कोई समोसा। तो अभी समोसे ले आए थे, कोल्ड ड्रिंक लेके आए थे, तो हमने समोसे खा लिए थे सबने। और फिर मीशा अपना डांस दिखाने लग गई थी, सब उसका डांस देख रहे थे बैठ के। और फिर थोड़ी देर में जो मेरे देवर के बच्चे हैं स्कूल गए हुए थे, तो वो स्कूल से आ गए थे दोनों, और फिर मीशा उनके साथ खेलने लगी थी।
देख रहा टीवी देखा है क्या किसान कौन बाबा बड़का ना सारे देखिए अब चाची चारा डालेगी उरा समर से भी लगवा रखा के अच्छा इसको चल इसको कहीं और बांध देंगे अरे ले भी फोटो खिंचा देखे देखा है यो देखा है यो चल खींच गया मिशा मार देगा है ना इधर पे लगा दे वहां उसको चारा डालेंगे घास डालेंगे खाएगा वो ये सब अच्छा पहले इसकी बारी है पहले इसकी बारी पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा ये बाहर ना जाए दूर उठ जा इसके कान छिदवा रखे हैं कान छिदवा है हाँ इयररिंग्स है उसके दूसरे ईयर पे नहीं है नहीं एक में ही वो खुद ते बोल भैंस 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 नहीं भैंस कर भैंस भैंस इसका भी कान छिदाया हाँ उसका भी कान छिदाया है इस बड़े वाली का छिदवाया तो वो बोली मेरा की छोड़ दिया मेरा भी कान छिदवा फिर उसका भी छिदवा दिया और ये देखिए छोड़ इसका भी छिद रख ना इसका नहीं छिदाया ये लड़का है ना ये लड़का डाल दी है बिना काटे डालो क्या कैसे काटोगे उसका उसमें गंडा सा में मांग रहा है ये दे दो इसको ये देखो देख रहा है ये कह रहा चिप्स दे दे मिशिका चिप्स दे दे पूरी नजर है उसकी भूख लगी है दे अब चिप्स अब हम मौसी जी के घर से आ गए हैं वहाँ 3-4 घंटे रुके थे तो अब आगे हैं अब आगे जा रहे थे तो अभी बीच में कोहली है जहाँ प्रमोद की ससुराल है तो कविता यहाँ आई हुई थी और प्रमोद को अभी उसको लेने आना था बल्कि इसी टाइम ही आया लेने के लिए जब हम यहाँ से जा रहे थे तो फिर अब हम उसके साथ कविता के घर चले गए देखिए छोटी सी बालक है देखा कर तो अब ये हम यहाँ से भी चल पड़े हैं चाय वाय पी ली हमने थोड़ी देर बातें की तो अब उसके बाद अब आगे बढ़े क्योंकि हमें अभी 2 जगह और जाना है और शाम हो गई थी 4-4:30 के आसपास का टाइम हो गया था और अभी हमें 2 जगह और जाना था तो अब यहाँ नमस्ते हेलो
नमस्ते, तेरी वीडियो आ गई मोबाइल पे। कई दिन हो गए थे वो भी आ जा आई नहीं, तो आज हम टूर पर चल रहे हैं। रास्ते में जिसका भी घर आ जाएगा, जिसे नाम जाना मतलब नहीं है किसी का, थोड़े कुछ आगे जाके कभी जिसका घर आ जाएगा, जिसको हम जानते हैं, तो हम आज उसी के घर पहुंच रहे हैं। तो अभी हम तीसरी जगह पे आए हैं आज, और आज जो हम स्टे करेंगे वो हम लाडली करेंगे। तो अभी वहाँ तो हम पहुँचे नहीं हैं, लाडली पहुँचेंगे अभी थोड़ी देर। सुनील के घर आए हैं, चाय पियेंगे फिर वहाँ जाएंगे लाडली। और ये देखो मेरी निशा कब से उछड़ उछड़ के आ रही है वीडियो में, पर आ नहीं पा रही है। और ये थक गई है बेचारी, कल 3 घंटे सफ़र किया, आज सुबह से सफ़र कर रही है ना, कितनी जगह गए, बिल्कुल थक गई है। और अब इसका 2 दिन और सफ़र है, अभी 2 दिन और इसको जाना है। अब भाई हम जा रहे हैं लाडवी मेरी फूफस के घर। अब मैं सुबन के घर जाके आ गई हूँ आदमपुर, बस अभी जा रहे हैं। 10-15 मिनट का रास्ता है यहाँ से, 15 मिनट का है, हाँ 15 मिनट का शो कर रहा है, 15 मिनट का रास्ता है। अब वहाँ जाएंगे। और मीशा तो आज बहुत थक गया, बहुत ज़्यादा थक गया, सुबह से ही घूम रहे हैं हम। और ये तो इसके बोल रही थी मेरे सिर में दर्द हो गया, मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा क्योंकि अंधेरा होने वाला अभी देख है ना, फोन में नहीं लग रहा कि अंधेरा होने वाला है। अब मैं अपनी वापस से उसी उसमें आ जाऊं, है ना, है ना। मैंने चुन्नी पहन ली है सिर पे। दीदी को नमस्ते करो। कैसे हैं? ये दादाजी तो भाई अभी हम पहुंच गए हैं लाडवी, और बहुत लेट हो गया हमें, अंधेरा ही हो गया था, 7:30 पता नहीं 8 का टाइम कुछ हो गया था, और काफ़ी लेट हो गए थे क्योंकि बीच में कई जगह चले गए ना, तो इसलिए काफ़ी लेट हो गए थे। और बुआ तो बोले कब से वेट। नमस्ते कद निकल आ गया बेचारा, से निकल आ गया फिर आना नहीं, तुम्हें मेरी फ्रेंड है ना, अब तुम सब पहले मम्मी ने कहा इधर बच्चे जो मजाक करते हो, क्या मजाक करती है, कर दी हो है घर का, तो हम सवेरे निकले 10 बजे। अच्छा और 10 बजे और ठीक है, ठीक हो भाई, ठीक चल रहा है। हां जी नमस्ते दादी जी। नमस्ते घर पर तुम चेड़े। नमस्ते बेटा दादी। मैं तो भाई पूरे दिन से सफर कर रही थी ना, तो इसलिए, और गर्मी भी कितनी थी, और मेरे सिर में है ना बहुत ज्यादा दर्द हो गया था, तो मैं फिर दवाई लेके और लेट गई थी थोड़ी देर, सिर में इतना दर्द हो रहा था ना। और जब हम पहुंचे थे तब बुआ जी खाना बना ही रहे थे, मतलब चूल्हे पे रोटी बना रहे थे, सब्जी हलवा सब उन्होंने बना के रेडी कर लिया था, और जब हम पहुंचे तभी वो बस रोटी बना ही रहे थे, और आज उनका व्रत भी था।